और दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया हो गए। तो दोस्तों बहुत जल्दी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो इसलिए आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पे लाए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे साइंस बिहाइंड गणेश चतुर्थी के बारे में। तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए अब यार की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एंशिएंट टाइम से ही हमारे एंसेस्टर्स इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इस टाइम इंडिया में एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब हर जगह फैली होती है। अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग थीम्स के गणेश मूर्तियों को रखा जाता है और दोस्तों 9 दिनों तक इनकी पूजा की जाती है और इसके बाद इनका विसर्जन कर दिया जाता है। मगर दोस्तों इसके कुछ टाइम बाद जिन मूर्तियों की हम 9 दिनों तक इतनी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, वही हमें कुछ दिनों बाद कचरे के ढेर बीचेस, नदियों के किनारे और नालियों में पड़े मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल ज़्यादातर गणेश मूर्तियों को POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती हैं और वही मूर्तियों को हम मार्केट से खरीद कर ले आते हैं बिकॉज वो दिखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये मूर्तियाँ पानी में डिसॉल्व नहीं होती और बहते बहते नदियों के किनारे कचरे के ढेर और नालियों में इकट्ठा होने लगती हैं और काफ़ी पॉल्यूशन फैलाती हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन मूर्तियों में लगा केमिकल कलर पानी को बहुत बुरी तरह से पॉल्यूटेड करता है और इसकी वजह से इकोसिस्टम बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है, जिससे फिशेज और वाटर प्लांट्स मर जाते हैं। पॉल्यूटेड पानी पीने से इंसान और जानवर दोनों को बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है और इसके साथ साथ और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हमें ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब है हमें बिल्कुल करना चाहिए। पर एंशिएंट टाइम में जब ये फेस्टिवल इंडिया में बनाना स्टार्ट हुआ था, तब वहाँ पे सिर्फ मिट्टी की गणेश मूर्तियों को बनाया जाता था और उन पे इको फ्रेंडली कलर्स का यूज किया जाता था, जिससे कि एनवायरमेंट कोई भी नुकसान ना हो। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों ने मिट्टी के साथ साथ POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाना भी स्टार्ट कर दिया, जो कि आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने घर में गणेश जी रखते हैं तो मूर्ति को लेते समय ये जरूर कन्फर्म कर लें कि वो मिट्टी की बनी हो, क्योंकि एनवायरमेंट का ख्याल रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं साइंस फैक्ट्स एंड रीजंस अबाउट गणेश चतुर्थी के बारे में। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हम गणेश जी की पूजा में प्रसाद के रूप में मोदकों को ही क्यों चढ़ाते हैं? गणेश जी की मूर्तियाँ हमेशा मिट्टी या फिर टर्मरिक की ही क्यों बनाई जाती हैं? गणेश जी की पूजा में दुर्वा को क्यों रखा जाता है? तो आइए अब इन सब के रीजंस जानते हैं। तो दोस्तों गणेश जी के मोदकों के अंदर जो स्टफिंग होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, पहला कोकोनट और दूसरा गुड़। दोस्तों कोकोनट इजी टू डाइजेस्ट होता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को काफ़ी बढ़ाता है और दोस्तों गुड़ एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसलिए गणेश जी की पूजा में प्रसाद के रूप में मोदकों को दिया जाता है। दोस्तों गणेश जी की मूर्ति को हमेशा हल्दी या फिर मिट्टी की बनाने को कहा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि विसर्जन के बाद मिट्टी पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है और हल्दी यानी कि टर्मरिक में एंटी बैक्टीरियन प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से वो पानी में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है और यही रीज़न है जिसकी वजह से गणेश जी की मूर्तियों को हल्दी या फिर मिट्टी की बनाने को कहा जाता है। दोस्तों गणेश जी की पूजा में दुर्वा को इसलिए रखा जाता है क्योंकि दुर्वा में काफ़ी हर्बल प्रॉपर्टीज़ होती है और ये हमें मैसेज देता है कि हमें नेचर के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। तो दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि साइज़ में अब तक की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति तेलंगाना में खैरताबाद नाम की जगह पर रखी गई थी और इसका साइज़ 61 फीट था और ये अब तक की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति थी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये मैसेज दूसरों तक भी पहुंचे। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी।